इतने लाउड म्यूज़िक को सुन के परेशान हो रही थी और दूसरे बच्चों के साथ नहीं खेल रही थी उनके साथ घुल मिल नहीं रही थी और रो रोने लग गई थी फिर केक कटिंग के बाद जब सारे बच्चे स्नैक्स खा रहे थे तो ये बच्ची स्नैक्स फेंक रही थी इधर उधर तो रितिका जी आपने क्या उनमें किया और कितने महीने में फर्क आने लगा और कितने महीने से अभी आपके पास है वो। और जो भी उससे मिलने आए उनको नमस्ते कर सके उसको कोई गिफ्ट मिले तो उसको थैंक यू कर सके और सब, और बाद में सबको बाय बाय कर सके नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे ऑक्यूपेशनल थेरेपी की बच्चों में और उन बच्चों में जिनको ऑटिज्म की प्रॉब्लम होती है ऑटिज्म का एक खास बड़ा लक्षण होता है कि बच्चे सोशलाइज नहीं करते वैसे बच्चे नहीं खेलते जैसे बाकी बच्चे खेलते हैं उनसे बात नहीं करते तो इसके लिए हमारे पास है रितिका देपन जी जो कि हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट तो रितिका मैं आपसे जानना चाहूंगा जैसे आप मेरे से डिस्कस कर रही थी ऑफ द रिकॉर्ड एक साढ़े तीन साल की बच्ची आपके पास आई थी तो उसके बारे में आप हमें बताइए पेरेंट्स जब अपनी बच्ची को लेकर आए थे तब तो वो साढ़े तीन साल की थी और असेसमेंट के लिए जब रूम में आई थी तो वह बहुत चंचल हो रही थी इधर उधर भाग रही थी बॉल से बॉल से खेल रही थी किक कर रही थी अपनी मम्मी का पल्लू खींच रही थी और फ़ोन भी मांगने की जिद कर रही थी और फिर उसकी मम्मी ने बताया कि उनकी ननंद की बेटी जो साढ़े तीन साल की ही है उसने चम्मच से खाना खाना भी शुरू कर दिया है लेकिन ये इसने अभी चम्मच से खाना शुरू नहीं किया है और इसने क्रेयॉन पकड़ना भी अभी स्टार्ट नहीं किया है फिर फिर उन्होंने बताया कि आमतौर पर जैसे बच्चे खिलौनों से खेलते हैं जैसे कि गाड़ी हो गई तो बच्चे कार को ऐसे चलाते हैं लेकिन वो चलाती नहीं थी वो या तो उससे टक टक करती थी या तो उसको तोड़ देती थी तो रितिका जी ये बताइए कि ऐसा क्या हुआ था उनकी लाइफ में कि आज वो आपको दिखाने आई थी कोई ख़ास बात मदर ने मेरे साथ एक इंसिडेंट शेयर किया था कि कुछ दिनों पहले वो अपनी बच्ची को एक बर्थडे पार्टी में लेकर गए थे तो वहाँ पे सारे बच्चे म्यूज़िक पर इंजॉय कर रहे थे और डांस कर रहे थे और एक दूसरे के साथ खेल रहे थे पर ये बच्ची इतने लाउड म्यूज़िक को सुन के परेशान हो रही थी और दूसरे बच्चों के साथ नहीं खेल रही थी उनके साथ घुल मिल नहीं रही थी और रो रोने लग गई थी फिर केक कटिंग के बाद जब सारे बच्चे स्नैक्स खा रहे थे तो ये बच्ची स्नैक्स फेंक रही थी इधर उधर तो पेरेंट्स को हो के पार्टी से निकल जाना पड़ा फिर जब मदर घर पे आई तो उन्होंने बताया कि उन्होंने उनकी सास ने उनको ऐसे भी बोला कि तुम अपनी बच्ची का ध्यान नहीं रखती हो दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि जो ऑटिज्म के बच्चे होते हैं उनमें मेनली दो इश्यूज होते हैं जो क्राइटेरिया चेंज हो गए हैं डी एस एम फाइव में एक इशू होता है सोशल स्किल्स का तो वो बाकी बच्चों के साथ उस तरह से रिलेट नहीं कर पाते लगभग तीन साल की उम्र के बाद बच्चे थोड़ा आपस में पैरेलल प्ले करके होता है आपस में खेलना शुरू कर देते हैं और पाँच साल के बाद तो अच्छा खेलना शुरू कर देते हैं तो ये बच्ची जो है वो बाकी बच्चों के साथ नहीं खेल पा रही थी और दूसरी बात है कि एक नॉर्मल प्ले क्या होता है जैसे आपके हाथ में कार है तो ज़र्र ज़र्र आप उसे चलाएंगे अगर उसको धाड़ धाड़ तोड़ेंगे और जो उस तरह से जैसे वो स्नैक्स वगैरह फे फेंक रही थी उसके बाद फिर सास ने भी एक कमेंट कह दिया तो माँ का दिल कहीं ना कहीं टूट गया तो इसके बाद उनको लगा कि अब तो मुझे बच्चे को दिखाने चाहिए जैसे भी मदद इसकी पॉसिबल हो सकती है क्योंकि माँ बाप दोनों ही अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश कर रहे थे और उससे पहले वो नहीं समझ पा रहे थे कि इसे क्या हुआ है तो उन्होंने वीडियो सर्च किया और उनको समझ आया कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी से कुछ मदद हो सकती है इसलिए वो रितिका जी के पास आई तो रितिका जी हम हमने या फिर आगे कैसे प्रोसीड किया उस बच्चे में जब मेरी असेसमेंट कंप्लीट हुई तो मुझे लगा इसको ऑटिज्म है तो मैंने कंफर्म करने के लिए उसे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास रेफ़र किया और उनकी रिपोर्ट में भी उसे ऑटिज्म डायग्नोस हुआ था दोस्तों असेसमेंट होने के बाद हमें ये पता लगा कि उसको ऑटिज्म है थोड़ी हाइपर एक्टिविटी तो बच्चे को थी बट इतनी ज़्यादा नहीं थी कि हम उसको ए डी बोलें या किसी तरह की मेडिसिन चलाएं तो मेन रोल जो था वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी का ही था कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी से ही उसे मैनेज किया जा सकता है तो हमने टारगेट सिम्टम्स बनाए और उस हिसाब से हमने ऑक्यूपेशनल का थेरेपी का काम उन पर स्टार्ट किया जिसके लिए हम जानेंगे रितिका जी से जब वो दोबारा मेरे पास आए तो मैंने उनको समझाया कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी सेशंस के लिए उनको हफ्ते में दो से तीन बार आना पड़ेगा और एक सेशन 45 मिनट्स का होगा और ये कम से कम छः महीने से बारह महीने तक चल सकती है तो रितिका जी आपने क्या उनमें किया और कितने महीने में फ़र्क आने लगा और कितने महीने से अभी आपके पास है वो सबसे पहले हमने उसके सीटिंग स्पैन पे वर्क किया इसका मतलब होता है कि बच्चा टिक के बैठ सके और पाँच से दस मिनट तक बैठ सके फिर हमने उसके फाइन मोटर स्किल्स पे वर्क किया जिसमें हमने फाइन मोटर स्ट्रेंदनिंग पे वर्क किया और ग्रिपिंग पे वर्क किया कि वो क्रेयॉन पकड़ सके और चम्मच भी होल्ड कर सके रितिका जी मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि फाइन मोटर से आप क्या कहना चाहते हैं एक्चुअली किस चीज को हम फाइन मोटर कहते हैं फ़ाइन मोटर हम कहते हैं कि जो बच्चा अपने उंगलियों को कैसे यूज़ कर रहा है छोटी मांसपेशियों को कैसे यूज़ कर रहा है जैसे कि जो बच्चा कलर करते हैं राइटिंग करते हैं चम्मच से खाते हैं या बटन लगाते हैं ये सारी फ़ाइन मोटर स्किल्स होती हैं तो इस बच्ची में वो पुअर थी इसलिए हमने इस पर वर्क किया उसकी ग्रिपिंग पे वर्क किया हमने होल्डिंग पे वर्क किया और स्ट्रेंदनिंग पे वर्क किया तो ऋतिका जी आपने उनको सिखाया बेसिकली कि जो उंगलियों की मांसपेशियाँ उसको कैसे एक्सरसाइज करके कैसे स्ट्रेंथन करना है ताकि वो पेंसिल हो या चम्मच हो या पेन हो या मोबाइल हो किसी भी चीज़ को ठीक से पकड़ पाए या उसके हाथ से ना छूटे और उसका कोऑर्डिनेशन ताकि वो अपने हाथ से मुँह तक खा सके तो मेरे भी मन में एक क्रियोसिटी है कि कितने समय तक आपको उस पर काम करना पड़ा जब वो चम्मच से खा सके जो पहली कंप्लेन थी जिसके लिए वो हमारे पास आई थी अब इस बच्ची को तीन महीने हो चुके हैं हमारे पास आते हुए और इसकी मम्मी इसको हफ्ते में तीन दिन लाया करती थी जो मैं होमवर्क देती थी वो वो घर पे भी कराती थी तो इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि वो एक महीने में ही बैठने लगी है और तीन महीने में उसने क्रेयॉन होल्ड करना शुरू कर दिया है चम्मच से भी खाना खा लेती है पर थोड़ा इधर उधर गिराती है लेकिन होल्ड करना शुरू कर दिया है और इसकी मम्मी अब बहुत एक्साइटेड है कि उसका बर्थडे आने वाला है और वो दूसरे बच्चों के साथ घुल मिल के इंजॉय कर सके तो रितिका जी जैसे आपने बताया कि उसको तीन महीने हो गए हैं आपके पास लगभग आते हुए और उसमें इम्प्रूवमेंट भी आ गई है उसने सेटिंग भी स्टार्ट कर दी है और उसके बाद वो चम्मच से खा भी लेती है बट थोड़ा बहुत इधर गिर जाता है और क्रेन भी उसने यूज़ करने शुरू कर दिए तो एज ए सकैट्रिस्ट मुझे भी क्यूरियोसिटी हो रही है कि आपने उसके साथ एक्जैक्टली क्या काम किया कि उसमें इतना ड्रामेटिक चेंज आया तो मदर के साथ मिलकर हमने सबसे पहले उसके सिटिंग पैन पे वर्क किया कि हमने उसको जो भी एक्टिविटी कराई वो बैट कर कराई चाहे वो बॉल कैच एंड थ्रो कराना हो चाहे पैक बोर्ड हो पैक बोर्ड होता है कि जैसे एक बोर्ड में चीज़ें होती है जैसे शेप्स हो गई तो शेप्स को निकालना और डालना फिर हमने उसको सिटिंग पोजीशन में पज़ल्स कराई फिर हमने उसके फाइन मोटर स्किल्स पे वर्क करने के लिए उसको क्लोथ स्पिन एक्टिविटी कराई कि जो कपड़े पकड़ने वाली चिमटी होती है उससे कोई चीज़ पकड़ना या रखना फिर हमने उसको क्ले कराई कि क्ले से छोटी छोटी बॉल्स बनाना या लड्डू बनाना स्नैक बनाना फिर हमने उसके सोशलाइजेशन पे वर्क किया कि आप जिस बच्चे को अगर आप क्लिनिक में लेकर आ रहे हैं तो वहाँ पे जितने भी लोग प्रेजेंट हैं बच्चा सबको हेलो करे नमस्ते करे और जाते वक्त बाय करे फिर हमने उसके सेंसरी प्रोसेसिंग पे वर्क किया कि हमने उसको ट्रैम्फलिन पे जंपिंग कराया और कि उसकी जो हाइपर एक्टिविटी है उसकी जो क्रेविंग है जंपिंग करने की भागने की वो नीड उसकी पूरी हो फिर हमने जिम बॉल पर उसको रॉकिंग कराई रॉकिंग हमने फॉरवर्ड बैकवर्ड कराई और साइड कराई फिर हमने जिम पॉल पर उसको बिठा के बाउंसिंग कराई कि इस एक्टिविटी से वो काम डाउन हो जाएगी तो रितिका जी सबसे इंटरेस्टिंग तो मुझे वो चिमटी वाला लगा वो चिमटी वाला कराने की क्या ज़रूरत चिमटी वाला की जो क्लोथ्स स्पिन होती है वो उसकी वो टाइट होती है उसमें स्प्रिंग जो होता है वो टाइट होता है तो हम जो उसे इस मूवमेंट से पकड़ते हैं और जब हम चिमटी यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए या रखने के लिए तो हमारी फिंगर्स की स्ट्रेंथनिंग भी होती है और हमारी ग्रिप भी ट्राइप ग्रिप जो होती है जो हमें क्रेयॉन पकड़ने के लिए या पेंसिल पकड़ने के लिए बहुत हेल्प करती है और इसी का जो इसी के बाद फिर हमें स्पून होल्ड करने में भी हेल्प करती है तो रितिका जी आपने काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ कराई बच्चे को तो काफ़ी मज़ा आया होगा मैं उम्मीद करता हूँ और सबसे जो करियोसिटी मेरे मन में आ रही है वो ये है कि अगले तीन महीने में उसका बर्थडे आने वाला है जिसके लिए मम्मी सबसे ज़्यादा अब किसी और के बर्थडे को लेकर परेशान थी और अब अपने बच्चे के बर्थडे पर वो चाहेंगी कि उसके बिहेवियर में चेंज आए तो अगले तीन से छः महीने का आपका क्या प्लान है उस बच्चे के साथ क्योंकि उसका बर्थडे आने वाला है तीन महीने में तो उसकी मदर के साथ मिलकर हमारा ये टारगेट है कि वो अच्छे से खा सके और जो भी उससे मिलने आए उनको नमस्ते कर सके उसको कोई गिफ्ट मिले तो उसको थैंक यू कर सके और सबसे और बाद में सबको बाय बाय कर सके तो रितिका जी इसके लिए आप कौन सी एक्टिविटीज़ प्लान कर रही हैं उसके अगले तीन महीने के लिए जो उनकी मदर के साथ मिलके मैं उनको एक्टिविटीज करा रही थी वो तो कंटिन्यू ही रहेंगी इसके बाद हम फोकस करेंगे कि उसने चम्मच से खाना खाना शुरू कर दिया है तो अब वो फोक से खा सके और रोटी तोड़कर सब्जी के साथ खा सके और अब फिर हम फोकस करेंगे कि वो जब पार्क में जाए तो बच्चों के साथ हाई हेलो करके उनके साथ घुल मिल सके तो दोस्तों इस केस के माध्यम से हमने देखा कि एक बच्चे को आर्टिज्म था जो सोशलाइज नहीं कर पा रहा था उस वजह से और उसमें ऑर्ड प्ले था और उसको खाने में भी दिक्कत थी चम्मच के साथ और उसकी मदर काफ़ी परेशान थी खासकर अपने ननद के बच्चे के साथ कंपैरिजन की वजह से और आपने सास की कमेंट की वजह से तो उसमें एक बर्निंग फायर था कि जितनी जल्दी हो सके और बहुत डिसिप्लिन से उन्होंने रितिका जी के साथ मिलकर काम किया और उसमें क्या है जैसे चम्मच से हम खाते हैं तो हम ऐसे पकड़ते हैं और हम फोक के साथ खाते हैं तो ऐसे पकड़ते हैं तो उससे क्या है कि आने वाले टाइम में बच्चे की जो ग्रिप होगी पेन से पकड़ना या ब्रश करना इन सब में भी जो इम्प्रूवमेंट आ जाएगी तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी का मतलब क्या ऑक्यूपेशन मतलब काम करना बच्चे का काम क्या है खेलना तो जितनी भी एक्टिविटीज़ आपने देखी होंगी वो सारी खेलने वाली थी चाहे वो बॉल के साथ बाउंसिंग कराना था चाहे वो पैक बोर्ड था चाहे वो सांप बनाना था क्ले से आटे से भी बना सकते हैं घर में तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं हर बच्चे के लिए कुछ स्पेशल टारगेट्स होंगे जिसके हिसाब से हमें काम करना पड़ेगा जब हम ये काम बच्चे के साथ उसकी मदर के या पापा के साथ मिलके कर पाएंगे या हो सकता है ग्रैंड पेरेंट्स या कोई और भी उनके सपोर्ट कर दें तो उसके बाद क्या होगा आने वाले समय में बच्चे वो चीज़ें करने लगेंगे और उन उनका जो ऑड प्ले है या इधर उधर जो उनका माइंड चला जाता है जब वो एनर्जी चैनलाइज हो जाएगी तो वो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ वो भी कर पाएंगे जो पहले समझ ही नहीं आता पेरेंट्स को ये कैसे होंगी तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे ये शेयर करना चाहते हैं कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी से ऑटिज्म के बच्चों में काफ़ी फ़र्क आता है और वो काफ़ी हद तक अपनी नॉर्मल लाइफ के नज़दीक जा सकते हैं क्योंकि बच्चा डिपेंड करता है कुछ को माइल्ड होगा कुछ को मॉडरेट होगा कुछ को सिवियर होगा अगर सिंपल भाषा में बोलें कि कुछ को हल्के से सिम्टम्स होंगे तो वो तो हो सकता है पूरी तरह ही सेटल हो जाएं कुछ को मॉडरेट या सिवर होंगे तो हो सकता है उसमें बट पार्शियल इंप्रूवमेंट हो जाए बट इम्प्रूवमेंट ज़रूर आएगी और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है अर्ली इंटरवेंशन अर्ली मतलब जल्दी इंटरवेंशन मतलब हस्तक्षेप तो इसका मतलब है कि बच्चे में जो भी कमी हमें पता लगती है जितनी जल्दी पता लगती है या समझ आती है तो वेट नहीं करना चाहिए बिकॉज़ तो जब डिफरेंस कम होगा तो उसको पूरा करना आसान होगा बट उम्र के साथ जब डिफरेंस बढ़ जाएगा तो उसको पूरा करने में उतना ज़्यादा समय लगेगा और ये तो आइडियल समय है उसका रीज़न ये है कि बच्चे की उम्र लगभग तीन साढ़े तीन साढ़े तीन साल की है और वो पौने चार साल की होगी अब तो खैर तो बच्चा पाँच साल से पहले पहले ये सारी स्किल्स सीख जाए ताकि वो अच्छे से बाकी बच्चों के साथ नॉर्मली सोशलाइज़ कर पाए तो आज के लिए दोस्तों इतना ही धन्यवाद